मुझे ये एग्जामिन करना है कैसा है यार, ये तुमने ना इस चंचल मन को चंचल चीज दिखा दी है। ये एमआई की ऐप से लाइट भी चली गई भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बस एक मिनट वेट करें, जरा लाइट का ऐसे ही चल रहा है आजकल। ठीक है
इसके बाद हम ये देखेंगे कि वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब क्या करना है, मेरे को निकालना है इसमें आर एच एल राइट हैंड लेफ्ट। का मतलब ये इस फंक्शन की वैल्यू
सन से कम पर और ज़्यादा पर कुछ अलग अलग होगी, जीरो से कम पर और ज़्यादा पर कुछ अलग अलग होगी। अब वो अलग अलग कैसे होगी वो मेरे को अभी देखना है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम मॉड एक्स को अलग डिफाइन करेंगे, मॉड एक्स प्लस वन को अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद में ये अगर आप लोग अभी चाहें तो अभी आप कर ले कर सकते हो साथ साथ, जो जैसे एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में हर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, और साथ के साथ अगर आपको एग्ज़ाम के हिसाब से भी और अच्छी तैयारी करनी है ना, तो एक बुक आती है अरिहंत की चैप्टर वाइज, बुक का नाम ही है चैप्टर वाइज, अरिहंत चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स, उसमें ना 10 साल के पेपर होते हैं, और वो 10 साल के पेपर किस हिसाब से मैं आपको आज दिखा भी दूंगा, वो इस तरह से होते हैं। जैसे पहला चैप्टर हो गया हमारा, मान लीजिए रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो रिलेशंस एंड फंक्शन में पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं, एक एक नंबर वाले एक तरफ लिख दिए, दो दो नंबर वाले एक तरफ लिख दिए, उनके सॉल्यूशंस भी दिए। तो ये जो कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन है इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगा। हम जो पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक मॉड, दो मॉड, तीन मॉड, कम से कम 4 मॉड भी दे रखे होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको भेज दूंगा, वो ले लेना। आरडी शर्मा या आरएसए कुमार के चक्कर में मत पड़ना, उसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है और अननेसेसरी बहुत महंगी बुक भी है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चैप्टर वाइज उठाना, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के अलावा चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस करो, पूरी पक्की प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मतलब 9th की अच्छी है आरडी शर्मा, 10th की अच्छी है, 11th की भी अच्छी है, लेकिन 12th में इतना ज़्यादा दे रखा है जितना कभी पूछा ही नहीं जा सकता। अब देखिएगा क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1 आ गई, तो इसकी क्या जरूरत पड़ेगी वो अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले मॉड x को डिफाइन करिए। मॉड x इज इक्वल टू -x x इज लेस देन 0 प्लस का x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मॉड x ये हो गया -x व्हेन x इज लेस देन 0 प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। फिर बात करते हैं मॉड x प्लस 1 की, तो मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1 और x प्लस 1 इज लेस देन 0, बिल्कुल सीधा यही जैसे मॉड x डिफाइन होता है। मॉड x में क्या है, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है x, उसके आगे माइनस लगा दिया तो माइनस x, व्हेन मॉड के अंदर वाली कहानी लेस देन 0, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर कि मॉड x प्लस 1 तो अंदर वाले टर्म पे उसके आगे माइनस लगा दिया, व्हेन ये अंदर वाली कहानी लेस देन 0, x प्लस 1 इज लेस देन 0, ऐसे ही अगला जो है क्या होगा, ये सीधा सीधा x प्लस 1 हो जाएगा, व्हेन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको एक बार और जरा लिख दीजिए कायदे से, माइनस x प्लस 1, व्हेन ये x प्लस 1 लेस देन 0 है तो प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 बन जाएगा, x इज लेस देन माइनस 1, और ये x प्लस 1 देन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 1 को इधर ले जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास दोनों हमने डिवाइड कर दिया दोनों। उसके बाद जरा फंक्शन को कंबाइन करके डिफाइन करना है, ठीक है। कंबाइन मतलब दो अलग अलग मॉड दे रखे हैं तो दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखिएगा fx इज इक्वल टू मॉड x जो है, और हमने ये देखा कि हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक 0 और एक माइनस 1, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं, नंबर लाइन बनाई, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ लिखिएगा माइनस 1, यहाँ लिखिएगा 0, ठीक है। तो ये लिखने से क्या है, आपको रेंज पता चल जाएगी। एक बार में क्या होगा, एक बार में लूंगा कि जब हमारा फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 से कम है, एक बार में लूंगा जब फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 मतलब x की वैल्यू माइनस 1 और 0 के बीच में है, और एक बार लेंगे जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन अलग अलग रेंजेस बन जाएंगी। फंक्शन को मुझे कंबाइन करके लिखना है, मैंने तोड़ कर लिखा है, मॉड x अलग और मॉड x प्लस 1 अलग। अब कंबाइन करके कैसे लिखेंगे वो देखिएगा, कंबाइन करके ऐसे लिखा जाएगा, पहला जो हमारे पास रेंज आएगा वो ये आएगा व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। अब जरा सोचो, जब x माइनस 1 से छोटा है, जब x माइनस 1 से छोटा है तो जो चीज़ माइनस 1 से छोटी है भाई, 0 से छोटी तो अपने आप हो गई, 0 से छोटी तो अपने आप हो गई। तो मॉड x जब मैं ये कहूँगा कि x माइनस 1 से छोटा वाला मैं ये रेंज लेकर चलूँ,
तो मॉड एक्स की कौन सी वैल्यू लेके, जीरो से छोटी वाली मैं लेकर, मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ अभी कि एक्स हमारा माइनस वन से छोटा है, तो जब एक्स हमारा माइनस वन से छोटा है तो ऑब्वियसली जो माइनस वन से छोटा है वो जीरो से तो छोटा हो ही गया, तो एक्स लेस देन जीरो इसका मतलब क्या हो गया, आप मॉड एक्स की जगह लिखेंगे माइनस एक्स, मॉड एक्स की जगह लिखेंगे माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, और आगे आगे साइन क्या, माइनस, ठीक है। एक्स जब माइनस वन से छोटा है तो मॉड एक्स प्लस वन की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ब्रैकेट लगा कर लिखें माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, और अब यहाँ पर लिखें व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन, ये हो गया। अभी मैंने एक्स ये देखा कि जब एक्स माइनस वन से छोटा है, जब एक्स माइनस वन से छोटा है तो मैं मॉड एक्स की जगह लिखूंगा माइनस एक्स, मैंने मॉड एक्स की जगह लिख दिया माइनस एक्स, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन लगा दिया, और जब एक्स माइनस वन से छोटा है तो मॉड एक्स प्लस वन की जगह, जो मॉड एक्स प्लस वन है इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ तो क्लियर, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके लिखूँगा अभी एफ एक्स लिखो। अब उसके बाद आगे का देखेंगे, आगे क्या देख रहे हैं कि अब मुझे लेना है माइनस वन और जीरो के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन एक्स इज हमारे पास माइनस वन से छोटी वाली वैल्यू थी, माइनस वन से बड़ी नहीं है, माइनस वन से ग्रेटर एंड इक्वल है, एक्स क्या है माइनस वन से ग्रेटर और इक्वल, तो इसलिए मैंने एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन लिखा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू भी तो लिख सकता था लेकिन नहीं है लेस देन इक्वल टू वाला, ठीक है। तो एज पर डेफिनेशन मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल वाला है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और जीरो से छोटा है, मतलब एक्स जीरो से छोटा है, ठीक है। बड़ा मतलब वो इक्वालिटी साइन नहीं आया, तो यहाँ पर इक्वालिटी साइन नहीं आया, ये समझ गया रेंज कि अब मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस वन और जीरो के बीच में, तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन तो ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास रेंज में क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इक्वालिटी साइन लगाया, ठीक है। और जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा मतलब ये वाला एक्स ग्रेटर लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन जीरो ये वाला लगाया, यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं लगाया, ये समझ गए, बोलो। चलो आगे, ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें भाई, क्लियर, दिव्यांका सोमेन अथर्व क्लियर है, चलिए जी तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जीरो में इक्वल इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए कि एक्स मेरे को जीरो से छोटा लेना है, तो यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं है, इसलिए इक्वालिटी साइन नहीं लगाया। और माइनस वन से बड़ा लेना है, तो माइनस वन से जब बड़ा लेना है तो उसके साथ इक्वालिटी साइन है, इसलिए इक्वालिटी साइन लगा दिया, समझ गए अभी। अभी मैं ये वाली रेंज लेकर चल रहा हूँ कि माइनस वन से जीरो के बीच में। अब जरा सोचो, जब एक्स माइनस वन से बड़ा है तो उसके लिए मॉड एक्स प्लस वन को देखेंगे, एक्स अगर जीरो से छोटा है, अगर एक्स जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस एक्स, तो यहाँ लिखो माइनस एक्स, आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। एक्स अगर माइनस वन से बड़ा है, एक्स अगर माइनस वन से बड़ा है तो मॉड एक्स प्लस वन की जगह क्या आएगा, और एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन बताइए, क्लियर, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब अगली रेंज कौन सी है, माइनस वन से छोटा ले लिया, माइनस वन और जीरो के बीच का ले लिया, अब जीरो से बड़े वाला लेते हैं, तो यहाँ लिख दो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन थोड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला लिखा। तो जब एक्स जीरो से बड़ा है, जब एक्स जीरो से बड़ा है तो मॉड एक्स की जगह सीधा एक्स आ गया, तो मॉड एक्स की जगह मैंने एक्स लिख दिया, मॉड एक्स की जगह एक्स लिख दिया, आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब जब x 0 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो माइनस वन से बड़ा होगा, है ना, माइनस वन का देखना है कि माइनस वन से बड़ी वाली रेंज में लाई करेगा या छोटी वाली में लाई करेगा, तो जब x 0 से बड़ा है तो वो माइनस वन से ऑटोमेटिकली बड़ा है, तो माइनस वन से बड़ा वाला ये लिखेंगे, मॉड x प्लस वन की जगह लिखे x प्लस वन, बताओ जी क्लियर है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखेंगे LHR और RHR वो सारी चीज़ें, अभी सिर्फ फंक्शन बनाया जा रहा है, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया तो सीधा प्लस एक्स प्लस वन लिखे, एक्स इज लेस देन माइनस वन, फिर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस टू एक्स माइनस वन, एक्स
x is greater than equal to minus 1 and less than 0. X minus 1. When x is greater than equal to 0. Minus x plus x कर दिया, plus x minus x कर दिया. ये हमारे पास हो गया 1. When x is greater than minus 1, minus 2x minus 1. When x is greater than equal to minus 1 and less than 0. And minus 1. When x is greater than equal to 0. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स हम शुरुआत में निकाल ही चुके थे. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या थे, 0 और माइनस 1. अब इससे भी पता चल रहा है, माइनस 1 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, माइनस 1 से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और. तो यहाँ पर लिखेंगे, लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी दैट x इज इक्वल टू माइनस 1. लिखिएगा, लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी x is equal to minus 1. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है ये, तो ये क्वेश्चन जो है आपका ना, ये क्वेश्चन 5 नंबर की कैटेगरी में लाई करता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन. तो लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to minus 1. minus 1 पर जब कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो देखिएगा, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा. तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x जब माइनस वन से छोटा है ना, तो उसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रखी है, वन के इक्वल दे रखा है. तो यहाँ देखेंगे, LHL LHL at x is equal to minus 1 fx. ये सीधा सीधा आप इसका रिजल्ट लिखिएगा वन. ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन दे रखा है, उसमें कुछ नहीं करना होता. अब RHL देखेंगे, तो RHL fx is equal to limit x tending to minus 1 plus RHL, मतलब minus 1 से जरा सा बड़ा होगा, और fx is equal to limit h tending to 0 f minus 1 plus h. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि अब function fx की value कौन सी वाली लेनी है, जब x माइनस वन से थोड़ा सा बड़ा होगा. तो x जब माइनस वन से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो फंक्शन की वैल्यू माइनस टू एक्स माइनस वन. ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस टू, और x की जगह लिखेंगे माइनस वन प्लस एच. माइनस वन प्लस एच क्या हो गया, माइनस टू एक्स माइनस वन. तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस टू, माइनस टू इंटू एच इज माइनस टू एच और माइनस वन. ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू माइनस वन इज प्लस का वन, वन माइनस टू एच, ये हो गया. ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन माइनस टू इंटू जीरो, टू इंटू जीरो इज जीरो, तो रिजल्ट इज वन. एल एच एल भी, अभी तक एल एच एल भी वन है और आर एच एल भी वन है, एल एच एल भी वन है और आर एच एल भी वन है. तो फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे, तो हम ये देखेंगे f माइनस वन, f माइनस वन यानी कि जब x एक्जैक्टली माइनस वन के इक्वल है, तो जब x माइनस वन के इक्वल है तब भी फंक्शन की वैल्यू यही है, माइनस टू एक्स माइनस वन. तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस टू एक्स यानी कि माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन, तो माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, टू माइनस वन इज वन इज इक्वल टू वन. ठीक है, तो भाई x इज इक्वल टू माइनस वन पर तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, since LHL and x is equal to minus 1 fx is equal to RHL and x is equal to minus 1 fx is equal to f minus 1. जब तीनों के तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, LHL भी इक्वल, RHL भी इक्वल, फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x is equal to minus 1. fx जो है x is equal to minus 1 पर कंटिन्यूअस हो गया. अब अगला देखेंगे x is equal to 0 पर. ठीक है, तो फिर से देखें बिल्कुल वही, लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी
कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूटी मेरे को चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वही करेंगे LHM at x is equal to 0, LHM at x is equal to 0 is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h, 0 minus h का मतलब तो minus h ही हो गया। अब ये देखिएगा कि अब हमारा क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f माइनस h, ये हो गया। तो इसमें आप ये देखिए कि हम क्या ले रहे हैं, x टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो x को ले रहे हैं जीरो से थोड़ा सा छोटा, x को जीरो से थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं। अच्छा, जब x जीरो से थोड़ा सा छोटा है तो फंक्शन कौन सा आएगा, माइनस टू एक्स माइनस वन वाला, एक्स माइनस वन वाला, तो यही होगी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस टू, एक्स की जगह क्या आएगा माइनस एच, माइनस टू इंटू माइनस एच माइनस वन, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू एच माइनस वन। ठीक से वही हो गया पूरा, अब एच की वैल्यू जीरो डाल दीजिए, तो टू एच टू जीरो माइनस वन यानी कि माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस वन, भाई राइट हैंड लिमिट पहले से ही दे रखी है माइनस वन, तो आर एच है x is equal to 0 fx is equal to minus 1, तो RHN जो है RHN को पहले से minus 1 हमको दे रखे हैं, और फंक्शन की वैल्यू x greater than or equal to 0 और minus 1 है, यानी कि f 0 जो है वो भी minus 1 ही है, f 0 भी minus 1 है। तो हम ये कहेंगे since RHN at x is equal to 0 fx is equal to RHL if x is equal to 0 fx is equal to f0, so fx is continuous and x is equal to 0 also, x is equal to 0 पर भी ये continuous है। और जरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ। इसका मतलब हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिले थे माइनस वन और जीरो, दोनों पर कॉन्टिन्यूस है, तो हम तो ये बोलेंगे कि हर जगह कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, वो कह रहे हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो आप लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। यहाँ तक करने के बाद पाँच नंबर का क्वेश्चन है, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाँच में से पाँच मिल जाए, तो नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन दोबारा पढ़ देना, एक नंबर काट लेंगे वो स्टेटमेंट। पूछा ये जा रहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो आप ये कहेंगे so there is no point, there is no point of discontinuity of fx, ठीक है, there is no point of discontinuity। अच्छा, किसी किसी में ये पूछ लेते हैं find the number of points where this function is discontinuous, ये तो कहीं पर भी discontinuous नहीं है, तो answer आएगा zero, समझ गए, find the number of points where the given function is discontinuous, तो आप ये कहेंगे कहीं पर भी discontinuous नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि कहीं पर भी discontinuous नहीं है, तो number of points where this function is discontinuous is zero, ये हो गया। ऐसा हो सकता था कि इसमें ये माइनस वन पर तो कंटिन्यूस आ जाता, जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूस आ जाता, तो हम ये कह देते कि एक पॉइंट है डिस्कंटिन्यूटी का, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूअस इज 1। ठीक,
उसका आंसर अगर जीरो लिखेंगे तो वो गलत होगा। जीरो तो वो पॉइंट है जिस पर वो डिसकंटिन्यूस है, समझ गए? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर पेपर में आए हैं वो आपको आज भेज दें, ठीक है, करिएगा। तो कॉन्टीन्यूटी वाला ये पोर्शन कम्प्लीट हो गया। अभी तक क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के बारे में क्लियर नहीं है, तो 20 तो करा दिया था हमने, 21 और 22 के बारे में अभी तक क्लियर नहीं, तो उसको भी होल्ड पर डाल रहे हैं दो क्वेश्चन। अच्छा, दो ही क्वेश्चन हैं, अगर सिलेबस में नहीं थे तब भी हम कर सकते थे, मैं इनको होल्ड पर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर ये करने हैं ना क्वेश्चन, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी मुझे आपको कराना पड़ेगा 11th क्लास में। भले ही कुछ बच्चों ने कर रखा हो, कुछ ने नहीं कर रखा, वो मेरे को कराना पड़ेगा, बिना उसके ऐसे ही हवाई हो जाएगा, फिर ऊपर ऊपर से समझ में आएगा, मुझे उसका नहीं। तो अभी के लिए छोड़ रहा हूँ 21 और 22, ठीक है। अगला टॉपिक हेडिंग डालिएगा डिफरेंशियबिलिटी। आप आ जाइए, डिफरेंशियबिलिटी। अब ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी, जैसे जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन को, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है
कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बस एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको बताऊंगा। तो हमें ये देखना होता है जैसे कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो इक्वल अगर है तो मैं ये कहूँगा कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अब डिफरेंशियबल है या नहीं तो उसके लिए सिर्फ दो वैल्यू चेक करनी होती है, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ये कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है जो 11th क्लास में आपने ही करा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये उससे मिलता जुलता है, ठीक है। वो करा है तो भी ठीक है, नहीं करा है तो भी मैं तो शुरुआत से बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, ऑफ डिफरेंशिएशन
पहला फॉर्मूला, जब भी किसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जा रहा है तो ठीक है। तो जनरली मैथ्स में सब जगह आपको वेरिएबल जो भी मिलेगा वो एक्स ही मिलेगा, तो इसलिए डी बाई डी एक्स। फिजिक्स वाले बच्चों को पता है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी टी आ जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के, के क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो किसी भी कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशियल है वो हमेशा जीरो होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ लिख दीजिए वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। अब जो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स टेबल, इसका किसी का कोई रोल नहीं है, इनफैक्ट कॉन्टिन्यूटी का भी रोल नहीं है, बिल्कुल नया है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि इनमें किसी का भी कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। तुम्हारा तो दिमाग ही थका रहता है बाकी लोगों का सब, और मतलब वैसी चीजों में सुनते एकदम फ्रेश लगते हैं, जैसे डांस करवा लो तो डांस में इधर से उधर कूदते हुए आना, इधर से उधर जाना, पूरा देखा देखा। और उसको वो कहते हैं ना, वो स्क्रीन मिररिंग करके टीवी पर देखा मैंने। अरे अरे अब ज्यादा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, उसमें किसी स्क्रीन की मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। अरे डांस इतना बढ़िया किया है सर, न्यूयॉर्क का वीडियो नहीं है मेरे पास, वरना उस पे डांस दिखाओ। वो वीडियो वो रील्स चाहिए मेरे को, उसकी वो जो पुरानी सुधार के लिए वो निकाल लिया मैंने, वो निकाल कर वायरल करनी है। अभी तक जिसने बताया उसके 90 है बस, फिजिक्स में फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, मैथ्स में भी अभी तक जो पता चला उसमें भी 80 पता चला, दो या तीन बच्चों ने बताया था टोटल, मेरे पास 17 बच्चे थे मैं पता करूंगा सारे बच्चे क्या उसी के हाईएस्ट है, उसने खुद फोन करके बताया था, आप ही के सोसाइटी में रहता है, 90 फिजिक्स में आया है उसके, मैथ्स में 88 उसके ज़्यादा है सबसे बेहतर। अभी पता नहीं चला, बाकी बच्चों से भी पूछूंगा। ठीक है, तो ये साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का फोन कर करके, फोन कर करके फिर बच्चे शेयर करते हैं। तुमसे तो मुझे पता ही चला था जब रिजल्ट आया था, मैं तो देख के बढ़ गया ये कैसे हो गया। और वहाँ पर एक तो शर्म बहुत आ जाती है बच्चों के अंदर, बताते ही नहीं है, बताते ही नहीं, मैसेज कर लो तो भी कोई रिप्लाई नहीं, कि पर्सनली कॉल करना होता भाई किसी को नहीं पता बता बस एक होल ड्रम लाके डाल देता और उसी को हम गोरी बना देते हैं, कुछ चीज बना देते हैं, वो चीज जो है वो चीज तो सब बच्चों से पूछ कर बढ़ जाती है किसने दे दिया, क्योंकि आप ये देखो तो मैंने 10th का भी डाला है ना, जो 10th का भी डाला है उसमें भी दो चार बच्चे ऐसे थे,
उन्होंने कह दिया था कि सर हमारा रिजल्ट डाला, उनका रिजल्ट डाला नहीं क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम था, ठीक है। जबकि मतलब ये एक्सपेक्टेशन अच्छी थी या नहीं थी, ये एक्सपेक्टेशन जो है ना, एक्सपेक्टेशन फ्रंट के रिजल्ट पर डिपेंड करती है, तभी तभी डेवलप होती है, वैसे डेवलप नहीं होती जो बीच का टाइम होता है। यार उसके तो 90 आ गए नंबर, मेरे 85 कैसे रह गए, तो वहीं पर उसको पाँच नंबर से पता नहीं। अरे हैं ऐसे, वो थ्री इडियट्स वाली थ्योरी पर चलते हैं बहुत सारे ऐसे, ये कैसे पास हो गया। चलिए इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, अच्छा मैं फिजिक्स वाले बच्चों को बता रहा हूँ, कल का ऑफ रखूँगा मैं। ओके सर, कभी मैथ्स वालों का भी ऑफ रखा था, एक और बार हो जाए।